शनि का प्रतिकूल होना बहुत कष्टकारी हो सकता है, ऐसे में शनि ग्रह के दोषों को दूर करने के लिए उपाय करना थोड़ी राहत देता है। जिन लोगों की कुंडली नहीं है या जो लोग शनि ग्रह के दोषों को लेकर अनभिज्ञ हैं, वे लोग कुछ संकेतों के जरिए यह जान सकते हैं कि उन पर शनि ग्रह प्रतिकूल असर डाल रहे हैं। वे कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि व्यक्ति पर शनि की अशुभ छाया है, साथ ही शनि के अशुभ प्रभावों को दूर करने के उपायों के बारे में भी जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। शनि के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति को पैरों से संबंधित बीमारी हो सकती है। व्यक्ति का क्षमता से अधिक काम करना और उसके बाद भी उसे उस काम का श्रेय नहीं मिलना, लगातार आर्थिक नुकसान होना या बनते हुए काम बिगड़ जाना, घर के पालतू काले जानवर जैसे काला कुत्ता या भैंस की मृत्यु हो जाना, बहुत मेहनत करने के बाद भी उस व्यक्ति को उसके बराबर का फल ना मिलना, कोई झूठा आरोप लगना और उसके कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की स्थिति बनना, किसी महंगी चीज का खो जाना या चोरी होना, घर की दीवारों पर बार बार पीपल के पौधे उगना, घर के कोनों में मकड़ियां बार बार जाल बनाए तो भी समझ लें कि भगवान शनि देव की आपके ऊपर काली छाया पड़ने वाली है। चींटियों का आना भी शनि के अशुभ प्रभाव का संकेत देता है। काली बिल्लियों का आपके घर के आसपास रहना भी शनि के अशुभ छाया का संकेत होता है। अब जान लेते हैं क्या उपाय हैं जिनसे आप इनसे बच सकते हैं। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, कौवे को रोटी खिलाएं, भिखारी, निर्बल, दुर्बल या अशक्त व्यक्ति, सेवकों और सफाई कर्मियों को दान दें, तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गौ और जूता दान करने से शनि का प्रकोप कम होता है। शनिवार के दिन एक कटोरी में तिल का तेल लेकर उसे अपना मुंह देखना चाहिए और फिर उसे शनि मंदिर में रखकर आना चाहिए। शनि देव को तिल का तेल चढ़ाएं, इससे शनि देव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। काली चीज जैसे काले चने, काले तिल, उड़द की दाल, काले कपड़े आदि का जितना हो सके दान करना चाहिए।